मुंगेली जिले के वन परिक्षेत्र में कुछ दिन वन परिक्षेत्र में पहले दैनिक वेतन कर्मी और डिप्टी व्यंजन के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ते दिखाई देने लगा है। बता दें कि कार्रवाई ना होने से सर्व आदिवासी समाज ने शुक्रवार को लोहमी एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए आरोपी के ऊपर 10 दिवस के अंतर्गत कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं इस संबंध में एसडीएम गिरधारी लाल यादव ने बताया कि ये जिला पुलिस अधीक्षक अजाक का मामला है। अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि जिसमें उन्होंने जल्दी ही नियम अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है। मुंगेली से देवेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट। रेस्ट हाउस बुलाकर उसे जाती अधिकारी दिया गया जिसकी शिकायत आजक्स थाने मुंगेली में किया गया, परंतु अभी तक उसकी कार्रवाई पूर्णतः नहीं हुई है। उसके पहले भादुराम के ऊपर जैसी घटना घटा तो उस घटना की जानकारी उन्होंने कुड़िया चौकी में देने गए थे, परंतु कुड़िया चौकी के जो प्रभारी हैं उनकी शिकायत दर्ज नहीं और उनको भगा दिया गया। 7 मार्च को कुड़िया क्षेत्र में एक हमारे जो फागुराम कर्मचारी वन विभाग का और डिप्टी रेंजर प्रबल दुबे हैं इनके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें डिप्टी रेंजर के द्वारा जातिगत गाली गलौज किया गया था और तब्बल से उनको आहत भी किया गया था। उसके संबंध में फागुराम जी द्वारा खुड़िया चौकी में कार्यवाही के लिए आवेदन दिया गया था, जिसको किसी के दबाव के चलते उसको भगा दिया गया था। तो फागुराम के द्वारा अजाक थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, जिसका अभी तक कार्यवाही नहीं हुआ है। उनके द्वारा दो मांगे रखी गई है, एक ये कि जो पूर्व में प्रबल एक डिप्टी रेंजर है छुरिया रेंज में, उनके प्रबल दुबे उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की शिकायत अजाक थाना मुंगेली में की गई है, तो उसमें अभी कार्रवाई नहीं हुई है ऐसा उनका कहना है और उसमें त्वरित गति से कार्रवाई कर एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR दर्ज कराएं और नियमानुसार जो कार्रवाई है तत्काल करें, इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। दूसरा चौकी प्रभारी खुड़िया श्री KP जायसवाल के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है